हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। सभी को फिर से आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन पे। यह जो क्लास है, यह सेमेस्टर फोर वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका कोर पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस होगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इस क्लास को हम बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि राजनीतिक समाजशास्त्र की परिभाषा दे एवं इसके क्षेत्र का वर्णन करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई भी सेमेस्टर के एग्जाम में आता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग कोई भी आंसर को इंट्रोडक्शन देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, हम इस टीचर को देने से पहले आप लोग क्या कीजिए, एक कोड आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। देखिए, हम एक कोड आप लोगों को बता देते हैं जो आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, वो है कि राजनीतिक समाजशास्त्र का प्रारंभिक बिंदु समाज होता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो क्या होता है, समाज होता है। और वह यह अध्ययन करता है कि समाज राज्य को किस प्रकार प्रभावित करता है। क्या करता है, समाज जो होता है वो राज्य को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो इसका अध्ययन करता है। तो ये कौन बोलते हैं, तो बेंडिकस एवं लिफ्सेट बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोग परिचय को स्टार्ट करने से पहले एक कोड डाल दीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग परिचय, चलिए देखते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, क्या नाम से ही स्पष्ट होता है कि राजनीतिक समाजशास्त्र का समागम, मतलब राजनीतिक में समाज में राजनीति का क्या है, समागम है। वैसे तो समाजशास्त्र को विकास के प्रारंभ से ही अनेक समाजशास्त्रियों ने राजनीति चेतना, राजनीतिक शक्ति तथा राजनीतिक व्यवहार में अभिरुचि ली है। मतलब जो भी समाजशास्त्री थे वो राजनीतिक शक्ति पे, राजनीतिक व्यवहार में अभिरुचि लाए थे, उनका भी अभिरुचि था। किंतु उन्होंने इन विषयों को राजनीतिक शास्त्र की परिधि के अंतर्गत रखा, परिधि कहने का मतलब उसी के बाउंड्री के अंदर रखा, ठीक है, रखकर ही अपनी रुचि दिखलाई थी। इसी के परिधि के अंदर रख के ही अपना रुचि को क्या किया था, दिखलाया था। और उन्होंने इन्हें मुख्य रूप से राजनीति शास्त्र का ही अध्ययन क्षेत्र में माना है। मतलब जो समाजशास्त्र होता है वह राजनीतिक शास्त्र के समान ही अपनी, मतलब मुख्य रूप से उसको माना है, समान अध्ययन माना है, ठीक है, एकदम सेम, ठीक है। और बाद के विचारकों ने राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, और समाजशास्त्र के बीच अति घनिष्ठता स्थापित करने की सफल चेष्टा की। मतलब बाद में क्या होता है कि राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच में थोड़ा सा विवाद पैदा करने के लिए विद्वानों ने, विचारकों ने कोशिश करने का चेष्टा दिखाया था, ठीक है। चलिए, विचारक थे बेबर, माइकलेस, मेस्का, पेरेटो, इखरम जैसे समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच इस प्रकार के सेतु का निर्माण किया कि बाद के विचारकों को इस शेड को हल्के से भी हिलाने की हिमाकत नहीं की। मतलब जो हिलाने का जो कोशिश किया इस विचार को, वो हिम्मत तक नहीं किया, हिमाकत नहीं किया, आज तक कोशिश ही नहीं किया, ठीक है। और आज तो यह सेतु इतना सशक्त हो गया है कि विचारकों ने दोनों शास्त्रों के मधुर संबंधों के, जितना भी दोनों शास्त्र है जैसे समाजशास्त्र में, राजनीतिक शास्त्र में, दोनों के परिणाम को, ठीक है, परिणय को सूत्र में बांधकर एक नए शास्त्र, मतलब जैसे राजनीतिक शास्त्र अलग होता है, समाजशास्त्र अलग होता है, दोनों को मिला करके कोशिश किया गया था कि बांधकर एक राजनीतिक समाजशास्त्र का क्या है, जन्म दिया, ठीक है। इस तरह से बनाया गया, इस तरह से इसमें मेहनत किया गया विचारकों के द्वारा कि आज तक कोई हिला नहीं पाया है। और राजनीति समाज के अंतर्गत सामाजिक जीवन के राजनीतिक एवं सामाजिक पहलुओं के बीच होने वाली अतः क्रियाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। मतलब जितना भी समाज में पहलू हो गए, जितने भी कुछ घटनाएं होंगे, तो सब हम लोग समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग इसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, पढ़ेंगे। ये था राजनीतिक समाजशास्त्र का हल्का सा इंट्रोडक्शन। और देखिए क्या होता है, और मज़ेदार है, देखिए कि राजनीतिक समाजशास्त्र को परिभाषित करना निसंदेह एक कठिन अभ्यास है। मतलब कह सकते हैं कि राजनीतिक समाज को परिभाषा करना निसंदेह, मतलब कह सकते हैं कि एक कठिन कार्य है, ठीक है। यह शास्त्र अभी भी प्रदुभी
की अवस्था में, मतलब प्रौद्योगिकी कहने का मतलब होता है अभी भी विकसित होने की कगार पे है, ठीक है, विकसित होने की कोशिश कर रहा है और इसमें विकसित होने का लक्षण भी क्या है, मौजूद है, ठीक है। इसलिए इसकी अंतिम एवं सवाची परिभाषा, मतलब एक सटीक परिभाषा, अंतिम, ठीक है, सटीक परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, इसका अभी तक सटीक परिभाषा नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है जो अग्रकिसित है, मतलब कहने का मतलब अभी लिखा। पहला विद्वान है टॉम बेटोमोर के शब्दों में, टॉम बेटोमोर क्या कहते हैं, समाजशास्त्र को क्या परिभाषा देते हैं, देखिए वो बोलते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संदर्भ में शक्तियों के अध्ययन से है, मतलब उसका समाज की शक्ति को जितना भी संदर्भ में जाकर जितना भी उसके समाज के बारे में अध्ययन करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक राजनीतिक समाजशास्त्र। ये किसके अनुसार, टॉम बेटोमोर के अनुसार। नेक्स्ट विचारक या विद्वान बोलते हैं, उनका नाम है डाउज एवं हायूज के शब्दों में, वो क्या बोलते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र समाज की वह शाखा है जिसका संबंध मुख्य रूप से राजनीति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं के विश्लेषण से है। कहने का मतलब समाज और राजनीति के बीच जितने भी होने वाले क्रियाएं हैं सब राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। ये कौन बोलते हैं, डाउज एवं हायूज बोलते हैं, ये विचारक बोलते हैं। नेक्स्ट विचारक जो है लिपसेट के अनुसार ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र का प्रारंभ समाज से होता है, प्रारंभ जो होता है वो कहाँ से होता है, समाज से होता है, और वह यह भी पता लगाने का प्रयास करता है कि समाज उससे कैसे प्रभावित करता है, मतलब ये भी समाजशास्त्र पर कोशिश करता है कि समाज उससे कैसे प्रभावित हो रहा है, ठीक है। विद्वान है सार्टोराई के शब्दों में, यह कहते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र अंतर अनुशासनिक समागम से उत्पन्न एक वर्ण संकर शास्त्र है, मतलब वर्ण संग्रह एक शास्त्र है जो समाजशास्त्रियों एवं राजनीतिक विशारदों द्वारा सुझाए गए निवेशों को मिलाता है। कहने का मतलब है कि समाजशास्त्रियों एवं राजनीतिक जो विशारदों है जो प्रॉब्लम है वो दोनों को क्या करता है, निवेश को मिलाता है एक तरह से, है ना, ये दोनों, ठीक है। ये परिभाषाएं अभी पूर्ण नहीं किया कही जा सकती है, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक समाजशास्त्र अभी भी अविधार्य की स्थिति में, अविधार्य स्थिति मतलब विकसित होने की स्थिति में, इसलिए इसकी परिभाषा अभी भी पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति। राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति में पहला प्रकृति है एक वर्ण संकर अनुशासन। वर्ण संकर अनुशासन कहने का मतलब होता है, देखिए, कि राजनीतिक समाजशास्त्र की उपज राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र के परम संयोजन से हुई है, मतलब कहने का मतलब दोनों के मिलने से हुआ है, ठीक है। और इसमें राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों के अंकरांत एक दूसरे से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है दोनों को मिलाकर ही हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और इसे ना तो समाजशास्त्र की उपशाखा मानना उचित है और ना ही राजनीतिक शास्त्र की उपशाखा मानना सही है। कहने का मतलब है कि ना हम राजनीतिक शास्त्र का उपशाखा मान सकते हैं, ना इसको हम समाजशास्त्र का उपशाखा मान सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग दोनों का क्या करते हैं, मिलाकर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये था इसकी प्रकृति। सेकंड देखिए, राज और समाज की अंतः क्रियाकलापता का अध्ययन करने वाला शास्त्र, मतलब दोनों का क्रियाकलाप का अध्ययन करने वाला ये क्या होता है, दोनों का शास्त्र होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट यह होता है, ठीक है, बहुत सारी परिभाषा देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक समाजशास्त्र राज्य और समाज की अंतः क्रिया तथा उन पर पड़ने वाले एक दूसरे के प्रभावों का अध्ययन करता है, मतलब एक दूसरे के जो उसके ऊपर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है उसका क्या होता है, अध्ययन होता है। वेनिडकस और लिपसेट ने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य से प्रारंभ हुआ है, कहाँ से, राज्य से प्रारंभ होता है और इस बात की जांच करता है कि यह समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये हम पहले भी आप लोग कोर्ट में डाल के बताएंगे परिचय से पहले, है ना, कि वेनिडकस और लिपसेट बोलते हैं कि राज्य जो होता है वह जांच करता है, प्रभावित करता है कि नहीं समाज को, है ना, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र का प्रारंभिक बिंदु समाज है और वह यह अध्ययन करता है कि समाज राज्य को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह राज्य को किस तरह से प्रभावित करता है उसको यह अध्ययन करता है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग नेक्स्ट प्रकृति है कि राजनीतिक और सामाजिक चाराओं की पारंपरिक निर्भरता का प्रतिपादक। इसका मतलब क्या होता है, देखिए,
राजनीतिक समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में अनेक विद्वानों ने राजनीतिक और सामाजिक चरों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए यह माना था कि समाज का जाति इत्यादि सामाजिक चरों का स्वतंत्र अस्तित्व और वे राजनीतिक चरों से प्रभावित हुए बिना कार्य करते। कहने का मतलब है कि राजनीतिक से ये दूर होकर क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन क्या बात है कि राजनीतिक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति यह बतलाती है कि राजनीति और सामाजिक चर दोनों पारस्परिक निर्भरता है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर होता है। लास्ट में ये पता चलता है ना, ये था इसका थर्ड प्रकृति। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक विश्लेषण में एक नए मार्ग का घोतक होता है, ये क्या है कि राजनीतिक समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के पूर्व तक राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन विश्लेषण वैधानिक ढांचा के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, वैधानिक ढांचा के अंतर्गत किया जाता है, जो अरस्तु ने पहली बार राजनीतिक अस्ताचित का सामाजिक वर्गों के संदर्भ में विश्लेषण कर राजनीतिक यथावाद की भी नींव डालने की कोशिश की थी, परंतु उसकी सही बुनियाद वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्धक महान चिंतक कार्ल मार्क्स ने डाली है। मतलब लेकिन ये तो कार्ल मार्क्स का ही होता है, देन होता है। किसका देन होता है, ये कार्ल मार्क्स का देन होता है, ठीक है, रियल रूप में, है ना, जिसमें राजनीतिक शक्ति को सामाजिक और आर्थिक संगठनों से जोड़ने की कोशिश किया गया। मतलब क्या किया, समाज को आर्थिक संगठनों से जोड़ने का कोशिश करते, कौन, कार्ल मार्क्स, ठीक है। और देखिए, राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक गतिविधियों का समाज शास्त्रीय प्रक्षेप्य में अध्ययन का सुगपात कर निसंदेह राजनीतिक विश्लेषण में एक नए मार्ग का श्रीगणेश किया गया। मतलब अब इसमें क्या किया गया कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति को क्या कर दिया, संगठनों को जोड़ने का कोशिश किया गया। एक ये क्या होता है, नया मार्ग का विश्लेषण करता है जो श्रीगणेश, मतलब इसका पूजा किया, शुरुआत करता है, ठीक है। ये था नेक्स्ट, इसकी प्रकृति है कि राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच की करी, मतलब उसकी करी में जोड़ना, एक साथ जोड़ना है की प्रयास करता है। देखिए कि राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच करी का काम करता है। राज्य और समाज की अंतः क्रियाओं का अध्ययन कर यह शास्त्र सामाजिक विज्ञान को दो अनुशासनों राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच करी की भूमिका निभाता। करी कहने का मतलब जोड़ने का भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वो है राजनीतिक समाजशास्त्र का एक विज्ञान है। राजनीतिक समाजशास्त्र एक क्या है, विज्ञान है। व्यवहारवादी आंदोलन की सबसे बड़ी देन है कि सामाजिक अध्ययनों को वैज्ञानिक रूप देना। विज्ञान का सामान्य अर्थ है कि सुव्यवस्थित ज्ञान, क्या होना चाहिए, सुव्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए, है ना। ये किसका देन है, ये व्यवहारवादी आंदोलन का ही देन है। किसका, व्यवहारवादी आंदोलन का देन है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी शास्त्र को विज्ञान का दर्जा पाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होता है। कोई भी शास्त्र है उसको अगर विज्ञान का दर्जा पाना है तो कुछ शर्त को पालन करना पड़ता है, तो राजनीतिक समाज शास्त्र इन शर्तों को पूरा करता है। तो राजनीतिक शास्त्र जो था इस शर्तों को क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। तो यह सही है कि राजनीतिक समाजशास्त्र शर्तों को पूर्ण या आंशिक रूप में पूरा करता है, फिर भी इसे भौतिक आदि वैज्ञानिक से नीचे की श्रेणी में रखा जाता है। पूरा शर्त को तो पूरा करता है, लेकिन भौतिकी विज्ञान के रूप में उससे उसको क्या करता है, नीचे रखा जाता है, ठीक है। ये था इनका प्रकृति। नेक्स्ट प्रकृति देखिए, राजनीतिक समाजशास्त्र एक कला भी है। क्या है, कला है। देखिए कला में क्या कहता है कि राजनीतिक समाजशास्त्र न केवल सामान्यकरण द्वारा सिद्धांतों का निरूपण करता है, ठीक है, निरूपण करता, बल्कि उन्होंने क्रियान्वित करने की भी सीख रखी है। मतलब उसके पास क्रियान्वित करने का भी सीख देता है, वो सीख देगा, ठीक है। और राजनीतिक समाज शास्त्र के सिद्धांतों का महत्व और उपयोगिता इस बात में है कि इन सिद्धांतों का जो सिद्धांत है वह किस सफलता और प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया गया, वो जो समाजशास्त्र है किस प्रकार से लागू किया गया, है ना। चलिए समाजशास्त्र की प्रकृति के बाद, ठीक है, राजनीतिक समाजशास्त्र के प्रकृति के बाद अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र, इसका क्या क्षेत्र है। तो आज के वैश्वीकरण के युग में, ठीक है, जब हम एक ग्लोबल विलेज की परिकल्पना करते हैं, ठीक है, रूप में देखने की प्रयासरत हैं, तो ऐसे में राजनीतिक
समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में विस्तार होना स्वाभाविक है। मतलब जब हम ग्लोबल विलेज मतलब रूप में है परिकल्पना कर रहे हैं विलेज को या कुछ भी, तो इस समाज को, तो इससे क्या होता है कि इसका अध्ययन जो है ना समाजशास्त्र का विस्तार होना स्वाभाविक रूप से है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। उसी में बेनिडक्स और लिफसेंट ने राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों की रखा है, मतलब विषय के विषय बताए हैं, वह है पहला देखिए वो बताए हैं कि समुदायों एवं राष्ट्रों में मतदान व्यवहार क्या होना चाहिए, मतदान व्यवहार होना चाहिए। दूसरा कि आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण तथा राजनीतिक निर्णयन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि राजनीतिक आंदोलन एवं हित समूहों की विचारधाराएं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट वो क्या बताएं कि राजनीतिक दल ऐच्छिक समुदाय होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बताए हैं कि सरकार एवं नौकरशाही की समस्याएं होनी चाहिए, मतलब नौकरशाही क्या समस्याएं होनी चाहिए। ये इतने सारे विषय रखे थे कौन, बेंडिकस और लिपसेट। ठीक है, समाजशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट विद्वान जो है वो विषय रखे थे गेवर और ऑक्रिलनस के अनुसार, वो क्या रखे हैं, पहला देखिए कि राज्य की संरचना होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा वैधता की प्रकृति एवं दिशाएं होनी चाहिए। तीसरा कि शक्ति पर एक अधिकार का स्वरूप तथा राज्य द्वारा उसका प्रयोग होना चाहिए, है ना। ये चौथा पॉइंट बोले थे कि राज्य की उप इकाइयों के स्वरूप तथा राज्य के साथ अनेक विवाद राजनीतिक समाजशास्त्र के मुख्य विषय हैं। तो ये था गेवर और ऑग्लिक्सियंस के अनुसार। नेक्स्ट विद्वान है नविस्कर के अनुसार, नविस्कर इस क्या विषय रखते हैं, पहला रखते हैं कि राजनीति तथा समाज, राजनीति में सामाजिक संस्थाओं जाति परिवार धर्म की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रखे थे कि राजनीतिक समुदाय तथा राजनीतिक संरचनाएँ पंचायत, राजनीतिक दल, हित समूह, विधानमंडल, नौकरशाही, अभिजन वर्ग, नेतृत्व, ये सब का क्या रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि राजनीतिक प्रक्रिया जो राजनीतिक समाजीकरण, भर्ती, सहभागिता, विकास, परिवर्तन, ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि राजनीतिक इतिहास का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, है ना, तो ये निवेशकर के अनुसार था। अब देखते हैं नेक्स्ट कि क्या है कि राजनीतिक समाजशास्त्र एक नया अनुशासन होते हुए भी तेजी से छलांग लगा रहा है। ठीक है, अनुशासन रहने के साथ भी क्या कर रहा है, तेजी से क्या कर रहा है, छलांग लगा रहा है। ठीक है, छलांग लगा रहा है। इसके क्षेत्र का निरंतर विस्तार हो रहा है, फिर भी अध्ययन की सुविधाएं के लिए यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित विषय में मुख्य रूप से आते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से आते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें पहला देखिए आप लोग देख सकते हैं कि राजनीतिक और समाज के बीच अंतःक्रियाएं हैं। दूसरा है कि राजनीतिक गतिविधियां तथा सामाजिक, ठीक है, परिवेश से उसका संबंध है। तीसरा देख सकते हैं कि राजनीतिक एवं सामाजिक चरों के संबंध एक दूसरे पर उनका प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि राजनीतिक मुख्य के स्वरूप उनके सामाजिक आधारें हैं। ठीक है, आधारें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि राजनीतिक व्यवहार, न्याय व्यवहार और सामाजिक पहल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि राजनीतिक संस्थाएं तथा उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं राजनीतिक समाजीकरण। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं राजनीतिक संस्कृति, है ना, ये सब है अभी का मुख्य इसका विषय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे का पॉइंट इसका कि राजनीतिक नेतृत्व उसके प्रभाव तथा निर्माण करने वाले सामाजिक तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी में कि राजनीतिक आंदोलन सामाजिक कारणों या कारकों का उस पर प्रभाव तथा सामाजिक संरचना के व्यवस्थापन एवं परिवर्तन में उसके प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आप देख सकते हैं कि सामाजिक संघर्ष एवं उसके सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, है ना, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देख सकते हैं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया तथा उसके प्रतिमान। ठीक है, इसी में लास्ट पॉइंट देख सकते हैं कि शक्ति आवंटन के सामाजिक आधार का इत्यादि। ये सारे विषय क्षेत्र बन चुके हैं किसका, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र का, समाजशास्त्र का। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में देख लेंगे निष्कर्ष। ठीक है, तो निष्कर्ष को लिखना जरूरी है। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इस राजनीतिक समाजशास्त्र ने राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं राजनीतिक नए वेटों के नए नए क्षेत्रों में अनुसंधान कर राजनीति में नई
दिशाएं तथा नए आयाम जोड़े हैं। मतलब कहने का मतलब है समाजशास्त्र जो है राजनीति में नए नए दिशाएं को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और इसके द्वारा राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए नए उपागमों की खोज की गई है। ठीक है, और राजनीतिक मुद्दों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन निसंदेह राजनीतिक समाजशास्त्र की बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से आप लोग आंसर को क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों का अगर आंसर अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इस आंसर को शेयर कर सकते हैं, इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों के आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता दें कि इस चैनल पे आप लोगों को पूरा क्लास लिया जाएगा, सेमेस्टर टू जो भी चल रहा है, जिसका भी एग्जाम आएगा, सब चीज़ का आप लोगों की तैयारी इस चैनल पर किया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को दोस्तों पर शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं मज़ेदार क्लास लेकर, तब तक के लिए वेट करें, बाय बाय, टेक केयर।